इसने धोखाधड़ी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सोमवार को हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें धोखा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। सिर पर टोपी मगर जुबान पर गायत्री मंत्र। आगरा में मुसलमानों के यज्ञ और हवन करने की तस्वीरों से देश में हर कोई हैरान है। पहले मुसलमानों ने हवन किया, फिर तिलक लगाकर हिंदू धर्म को अपनाया और अब अपने बयान से पलटकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की खबर से पहले धर्म परिवर्तन के मामले को समझिए। हवन और पूजा के इस कर्मकांड के साथ ही आगरा में कल करीब 60 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की और करीब 250 से ज्यादा लोगों ने इसके जरिए फिर से हिंदू धर्म अपनाया। ये कार्यक्रम बजरंग दल ने आयोजित किया था। बजरंग दल के लोगों के मुताबिक कई साल पहले इनके बुजुर्गों ने मुस्लिम धर्म कबूल किया था। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों के पूरा समझ में आया है कि हिंदू धर्म में ही इनके हित सुरक्षित हैं और इसी कारण से इन सभी लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इनमें से ज्यादातर लोग कोलकाता और आसपास के मूल निवासी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में वापसी की है। आप लोग मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? कोलकाता का। कोलकाता के? तो क्या सारे परिवार कोलकाता के हैं या कहीं और के भी हैं? नहीं, वो आसपास ही है, कोलकाता का ही है, आसपास का है सारे। क्या आप लोग से? एक और खबर है कि क्रिसमस के मौके पर आरएसएस ने धर्म परिवर्तन की बड़ी योजना बनाई है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि 25 दिसंबर को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 4000 ईसाइयों के धर्म परिवर्तन की योजना बनाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या ज्यादा मालूमात है इस मामले में? देखिए राजीव, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व को लेकर के पहले से छुपा हुआ एजेंडा रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला है। इतना बड़ा बहुमत मिला है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ परिवार सभी का कहना है, सभी का यही मानना है कि ये इस बार नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस बार सारे वो मुद्दों को उठा करके काम करना चाहता आरएसएस और संघ परिवार, जो अभी तक उन्होंने हाथ में नहीं लिए। 2016 तक राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। 2016 में बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा। राम मंदिर का बिल पास कराने की बात की जा रही है। रामविलास वेदांती ने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा भी था, साथ ही साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी छेड़ दिया, हाथ में ले लिया। आपको जानो तो पहले दिलीप सिंह जुदेव बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया करते थे, उसी तरह से क्रिश्चियन परिवारों का धर्मांतरण की बड़ी भारी योजना बनाई जा रही है। इसमें केरला और साउथ के कुछ प्रदेशों के नाम इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ जो धारा 370। जी संजय, तो आरएसएस के ऊपर ये खबर आई है, आरएसएस के ऊपर अब एक आरोप लगाया गया कि आरएसएस धर्मांतरण की योजना बना रहा है। बढ़ते